मेरा नाम संदीप है और मैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज घंटाघर पे आए हैं, किस लिए आए हैं ये बताओ? घंटाघर पे नहीं, हम लोग घंटाघर से उजरियाँव गोमती नगर तक एक पदयात्रा निकालना चाहते हैं और एक पर्चा बांटना चाहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और हिरासत केंद्रों के ऊपर। तो क्या हुआ, अभी आप जा रहे हैं, क्या हुआ है? फिलहाल तो आप देख रहे हैं पुलिस खड़ी है, तो अभी हमको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और वो अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि भाई सीमित लोग हैं, 10 की संख्या है, शांतिपूर्ण ढंग से हम निकलने वाले हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। 144 की बात कही जा रही है, क्या कहना है? देखिए धारा 144 ये बार बार कई कोर्ट कह रहे हैं, ये बहुत विशेष परिस्थितियों में जहां कानून और व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा होती है वहां लगाई जाती है। लेकिन आप धारा 144 लंबे समय तक बड़े क्षेत्र पे लगा के लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। ये बात अभी परसों DY चंद्रचूड़ ने भी कही है अहमदाबाद में।